बचपन से ऐसा मतलब कुछ सोचा नहीं, बट चाहता था कि खुद का कुछ करूं, जो भी करूं। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा से चाहता हूं कि अगर मैं 10,000 भी खुद का कमाता हूं तो आई विल बी मोर हैप्पी। दोस्तों ने बहुत हेल्प किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब मशीन कैसे काम कर सकता है, कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। मतलब कि मैं जब भी बोला कि मुझे कुछ करना है करके, तो मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि यू जस्ट गो फॉर इट, जो भी होगा देखा जाएगा आगे चल के। और जितने भी मतलब कि युवा हैं जिनको भी करना है तो बस कीजिए, मतलब ऑल यू नीड इज करेज टू स्टार्ट समथिंग, और हमेशा एक स्मॉल स्टेप कीजिए। झारखंड की राजधानी रांची में गोलगप्पा खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा अलग अलग फ्लेवर के पानी जो है वो एक ही मशीन में मिलेगा। इसके लिए उन्हें अब किसी भी तरह से कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूरी जो है गोलगप्पा का होता है उसे आगे रखना है, और ये ऑटोमेटिक मशीन है जो चार तरह के फ्लेवर का पानी ये छोड़ता है, झाल पानी, इमली पानी, हींग जीरा और मीठा पानी। ये चार तरह के फ्लेवर जो है एक ही बॉक्स में है। आप यहाँ जब आएंगे तो दुकानदार जो हैं वो आपको देंगे गोलगप्पा के लिए जो पूरी यूज किया जाता है, और फिर जैसे ही इस मशीन के सामने रखेंगे पानी अपने आप पूरी में भर जाएगा। राजधानी रांची के लिए पहला मशीन है, नया है, क्या कुछ खास है। हमारे साथ मौजूद हैं नितेश जी जो MBA कर चुके हैं और 70,000 की नौकरी छोड़कर इसकी शुरुआत की है। ये खुद से मशीन को तैयार किया है, इस मशीन की खासियत क्या है और इस स्टार्टअप के करने के पीछे क्या वजह है, नौकरी क्यों इन्होंने छोड़ा, ये तमाम सवाल इनसे ही जानेंगे। नितेश जी, कहाँ तक की पढ़ाई आपने की? जी मैंने MBA किया है 2015। कितने तक की सैलरी की नौकरी की? लास्ट टाइम मेरा 70 था। 70। कैसे मन में आया कि 70,000 की नौकरी छोड़कर ये गोलगप्पा बेचने की शुरुआत करें? नहीं, एक्चुअली हमारे मन में बहुत, एक्चुअली मैं जितने भी कंपनीज में काम किया हूँ सभी स्टार्टअप्स कंपनी में ही काम किया हूँ, तो हमेशा से था कि कुछ खुद का स्टार्टअप होना चाहिए। इवन इफ़ आई एम अर्निंग लाइक 20,000 आई विल बी मोर हैप्पी, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ खुद का स्टार्ट करना है। तो काफ़ी दिनों से ऐसा सोच रहे थे कि हम खुद का कुछ यूनिक करें, तो हमारे पास एक अच्छा मौका मिला कि हम कुछ अपने खुद से हाइजीन लोगों को दें, क्योंकि और कैसे है कि आप जो नॉर्मल स्टॉल्स में जाते हैं उनके पास सिर्फ एक ही पानी होता है और वो भी बिल्कुल हाइजीन नहीं होता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खुद का कुछ स्टार्ट किया जाए और जिसमें प्रॉपर हाइजीन हो रहे और एक ही प्लेट में आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पानी को ट्राई कर सकते हैं। 3 Idiots की कहानी आप पर फिट बैठ रहा है कि दोस्त इंजीनियर है, उसके मदद से आपने इस मशीन को तैयार किया खुद से। क्या कुछ विशेषता है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है इस मशीन का? देखिए कैसा है कि हम लोगों ने इसमें मतलब इंजीनियर, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी इंजीनियर्स, तो उनसे हेल्प लिया, हम लोगों ने खुद रिसर्च किया। इस मशीन को बनाने में ऑलमोस्ट लाइक 6 months लगा हम लोगों को। बहुत सारा मतलब ऐसा हुआ कि बहुत बार वेस्ट हो जाता था, सपोज़ हम लोग कुछ पार्ट्स लाएँ वो काम नहीं कर रहा है तो फिर से उस पर फिर से रीबिल्ड करना पड़ता था कि शुरू से क्या हो रहा था। इस तरह कर कर हम लोगों ने करीब 6 महीने इस मशीन पे काम किया और ये खुद का सेल्फ मेड है, मतलब कि जो भी है एक एक चीज़ हम लोगों ने खुद ही बनाया है, उस पर खुद से रिसर्च किया कि ये सही है या नहीं है, फिर उस पर खुद से काम करके ये फाइनली ये मशीन तैयार किया। दोस्तों ने बहुत हेल्प किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब मशीन कैसे काम कर सकता है, कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। रांची के लिए ये पहला मशीन है, नया है? जी बिल्कुल नया, मतलब कि मेरे नॉलेज में है कि मतलब रांची में बिल्कुल नया स्टार्टअप है ये। कितना खर्च लगा इस मशीन को इंस्टॉल करने बनाने में? 1.5 लाख का खर्चा आया अपने को मशीन में। क्या ये बिजली से चलती है या फिर बैटरी से? बिजली से भी चल सकती है, और हम लोगों ने मतलब ऐसा सोचा कि हमें इसे स्ट्रीट में डालना है, तो हम लोगों ने इसको खास बनाने के लिए इसमें बैटरी का यूज, अभी फिलहाल के लिए हम बैटरी और इन्वर्टर से यूज़ कर रहे हैं इसे। इसको अगर हम दूसरी जगह भी शिफ्ट करना चाहे तो वो आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऑल यू नीड इज़ अ बैटरी एंड इन्वर्टर। और क्या कहना चाहेंगे जो युवा हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, सिर्फ जॉब को ही सिक्योर लाइफ समझते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या एक संदेश होगा? मतलब कि बस आपको एक करेज होना चाहिए कि मैं कर सकूं, और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें, मतलब कि मैं जब भी बोला कि मुझे कुछ करना है करके, तो मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि यू जस्ट गो फॉर इट, जो भी होगा देखा जाएगा आगे चल के। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब खुद का कुछ किया जाए, और जितने भी मतलब कि युवा हैं जिनको भी करना है तो बस कीजिए, मतलब ऑल यू नीड इज़ करेज टू स्टार्ट समथिंग,
और हमेशा एक स्मॉल स्टेप कीजिए, बहुत बड़ा कुछ टारगेट नहीं बनाना चाहिए, मतलब कि पहले एक स्मॉल स्टेप लें, उसे पार करें, फिर दूसरे स्टेप की हो जाए और धीरे धीरे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। आपकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, इससे हमें भी लगा, क्योंकि अक्सर जो पत्नी होती है वो अपने पति को जॉब करते हुए हाई प्रोफाइल में देखना चाहती है, जल्दी किसी को गोलगप्पा बेचने के लिए नहीं रेडी होने देगी, तो ऐसे में कैसे कन्विंस किया आपने अपने वाइफ को? मतलब कि वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है, आई मीन जब भी मैंने कुछ बोला कि मुझे ये करना है, इससे पहले भी मैंने कुछ कुछ ट्राई किया बट आई डिडंट सक्सीड ऑन दिस ऑन दैट, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैंने उससे बात करा कि ऐसा ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, तो सी सेट की ठीक है करो, हम लोग मैनेज करते हैं 4-5-6 महीने और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। घर में कितने लोग हैं आप? अभी फिलहाल बेसिकली मैं बोकारो से हूँ, बोकारो स्टील सिटी से, और यहाँ पे मैं, मेरी वाइफ और एक मेरा छोटा बच्चा है साल भर का। घर में भाई लोग क्या कर? भाई मेरे होटल मैनेजमेंट करके, वो मतलब 5-स्टार होटल में काम कर रहा है उदयपुर में। घर के लोगों का भी सपोर्ट इस काम के लिए मिला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबने बचपन से क्या बनना चाहते? बचपन से ऐसा मतलब कुछ सोचा नहीं, बट चाहता था कि खुद का कुछ करूँ, जो भी करूँ, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि अगर मैं 10,000 भी खुद का कमाता हूँ तो आई विल बी मोर हैप्पी। दो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक तो ये ऑटोमेटिक मशीन है जो नया है और गोलगप्पा का है, जो 4 तरह के फ्लेवर इस पानी इस मशीन के द्वारा जो है ऑटोमेटिक निकलता है, लेकिन हम अपने सहयोगी को दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाने के लिए कहेंगे कि वही पुरानी जो सिस्टम है हाथ से जो सब कुछ किया जाता है, तो ऐसे में जब गोलगप्पा का पानी हाथ से पूरी में डुबा कर डाला जाता था तो उससे कई लोगों के मन में सवाल होते थे कि यह पानी गंदा होगा, गंदे हाथों से दिया होगा, तो इन तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो अब अपने आप मिल चुका है। कैसा लग रहा है, क्या ये नया दिखा आपको भैया? अब तो नया फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं। क्या मशीन को देख करके रुके या क्या नया है यही जानने के लिए? हाँ हाँ जानने के लिए। गोलगप्पा पसंद है आपको? हाँ पसंद तो है। कौन सा फ्लेवर पानी ज़्यादा पसंद आता है? अब देखते हैं टेस्ट करके, उसके बाद पता चलेगा ना, जनरली तो एक ही पानी मिलता है। जनरली एक ही पानी। हाँ। लेकिन जो पहले हम लोग खाते थे तो उसमें हाथ में डुबा कर जो है पूरी में पानी भर कर दिया जाता है। हाइजीन का ध्यान है, ये अच्छी बात है। ये अच्छा है। हाँ तो ये बदलाव अच्छा है, प्रयोग अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। तो बिल्कुल देखिए, लोग भी इनका जो है हौसला बढ़ा रहे हैं, नितेश जी का जो नया प्रयोग है राजधानी रांची में, तो आप ये देख सकते हैं नया प्रयोग है और राजधानी रांची के लोगों का सपोर्ट भी इन्हें मिल रहा है, काफ़ी अच्छी आमदनी भी हो रही है। इनसे ही जानते हैं, नितेश जी से, कि आखिर कितना इनकम पर डे हो रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है। नितेश जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का राजधानी में? अगर फिलहाल के लिए मतलब जो भी रिस्पांस मिला, अभी तो मतलब 4th-5th दिन ही हमारा, बट लोगों से जो भी रिस्पांस मिला काफ़ी अच्छा, और हम अक्सर लोगों से फीडबैक भी लेते रहते हैं कि मतलब जो हम लोगों ने मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पानी उन्हें सर्व कर, उन्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, और जो भी रिस्पांस है अभी तक बहुत अच्छा है, सबने बहुत पसंद किया। तो ये थे नितेश जी, जो कि MBA करके 70,000 की नौकरी छोड़कर ये नया प्रयोग किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ रुककर खाने के लिए भी, स्वाद लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का स्वाद है, यह प्रयोग कैसा है। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, News22 रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।